होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, होली पे नमकीन तो सभी के घर बनते हैं, पर आज मैं इसी नमकीन को थोड़े अलग तरीके से आपको बता रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 कप मैदा लिया है, आप अच्छे से छान कर ले लीजिए। इसमें डाला है नमक, अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ड्राई फॉर्म में आप डालिए। इन सब को आपस में अच्छे से मिला लीजिए ताकि नमक चारों तरफ मिल जाए। और इसमें मैं डालती हूँ हमेशा थोड़ा गुनगुना घी। गुनगुना घी डालने से मोइन में हमेशा एक अच्छा सा करारापन आता है। और नमकीन की बात हो रही है तो हम इसको थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिठा के आप मिलाएंगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। अब हल्का हल्का गर्म पानी के छींटे देकर आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। याद रखिए, इसमें ज़्यादा इसको आटे को ज़्यादा गूंथना और सख्त नहीं बनाना होता। सॉफ्ट सा डो रहेगा, बट इसमें रफली आप इसको एक डो की शक्ल दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा मिलाना नहीं है। अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा हम अच्छे से लगा लेंगे। और एक रोटी जो बेली हुई है ना, पहले रोटी बेल लीजिए, फिर थोड़ा सूखा आटा लगाकर इस रोटी को वापस यहाँ पे रखिए। ये देखिए, थोड़ी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यही ट्विस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन लिया है। आप चाहें तो ये किसी भी चीज़ का कैप हो सकता है, जैसे आप दवाई का आता है उसका भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जैतून के तेल का है तो मैंने वो लिया है। और इसको मैं इस तरह से कट करते हुए ऊपर चली जाऊँगी। जैसा आपने पहले देखा, ये थोड़ा सा हमें हाफ़ कट करना होता है और उसके बाद हम इसको ऊपर करेंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से अगर आप हाफ हाफ कट करेंगे ना तो ये एक काजू के शक्ल का बन जाता है। और इस तरह से ये अंतिम में जो आप बचता है इसको भी आप वापस अपने दूसरे आटे में मिला के वापस यही चीज़ आप दोबारा कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए मैंने अभी यहाँ पर ढेर सारा बना लिया है। और देखिए, शेप ऐसा बन के निकलेगा इस तरह से। ये नमकीन काफ़ी अच्छा लगता है खाने में और शेप के कारण ये थोड़ा अमेजिंग लगता है। और बच्चे तो उसको बहुत ही आराम से खाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे काजू ही फ्राई है। तो नमकीन काजू वाले ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारा निकाल लिया है और तेल को मैंने अच्छा गर्म होने दिया था। तेल गर्म हो गया है, पर यहाँ पे तेल डालते समय आप एक छोटा सा टुकड़ा डाल के ज़रूर चेक कीजिए। और अब तेल जब गर्म है तो मैंने इसको ना बिल्कुल हाई पे नहीं, थोड़ा सा कम किया है। और लेकिन तेल बहुत गर्म है। इसमें क्या होता है ना, जब आप शुरू में आप डालते हैं ना नमकीन को, तो ये एक ट्रिप भी है कि आप उसको ना थोड़ा तेज़ रखिए ताकि नमकीन काफ़ी अच्छे से अंदर तक उसकी परतें खुल जानी चाहिए। जैसे आप नमकीन डालते हैं तो उसके अंदर काफ़ी परत होती है, जो हम मोइन डालते हैं ना तो वो परत मोइन के अंदर होती है। तो आप जब गर्म तेल में इसको डाल के थोड़ा हिलाकर बनाते हैं ना तो ये काफ़ी अंदर तक फूल जाती है। देखिए, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कैसे ये फूल जाती है। और फूलने के साथ ही देखिए, फूल गई ना। अब इसमें क्या करना है ना, इसी समय पे हम इसको मीडियम हाई करके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि ये थोड़ी सख्त हो जाएगी आगे, मतलब ऊपर से उसकी कोटिंग जो है वो सख्त हो जाएगी। तो ये थोड़ा करारा भी हो जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो नमकीन को जब भी आप फ्राई करें ना तो ये दोनों चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। एक तो डालते समय थोड़ा तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर उसको मीडियम हाई करके थोड़ा अच्छे से आप हिलाते रहिए। ये काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और अब मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी। मैंने बाकी के भी बनाए हैं, उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई करके इकट्ठा करके निकाल लूँगी। और ये काफ़ी करारे हो जाते हैं, आप देखिए इसका मतलब जो आवाज़ से आप सुन पा रहे हैं ना, ये देखिए काफ़ी करारे हैं। इस तरह से मैंने नमकीन बनाई और बच्चों को बहुत पसंद आई। तो आप भी ज़रूर एक बार ये नमकीन ट्राई कीजिए। ये रेसिपी मेरे पापा की रेसिपी है और वो बहुत शौक से बनाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी इसको ट्राई करती हूँ। किचन एक्सपर्ट कॉर्नर पे आपको ये रेसिपी कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।